तो कट करके बाहर। रिलैक्स बाबा जी, अपने क्रोध को शांत करिए और मेरी बात को सुनिए कि महाराज की खुद कम में बदल दो और तिछा पे कर दो जादू का ही सारा। फाटक बनकर ये माँ के पास नहीं आया है, इसके आने का उद्देश्य कुछ और बता रहा है। रंजीत, तू क्या समझता अपने आप को है कि तू यहाँ का मिनिस्टर है, जो कुछ आदेश जारी कर देगा तेरे आदेशों का पालन होगा? नहीं, तेरी मिनिस्ट्री राज्य के अंदर चलती होगी, शहर के अंदर चलेगी, लेकिन माँ के मंदिर पे नहीं। यहाँ पे हर इंसान आकर के सर झुका के बात करता है, सर उठा के बात नहीं करता है। वो तुरुत राजा को मरवाना चाहता है, जो राजा खुद आकर के मेरे सामने सर झुका दिया, जिसका गुलाम तू है, उस लड़की को मरवाना चाहता है जिस लड़की का कल्याण मेरे हाथों हुआ। चले जाओ रंजीत सिंह, बहुत छोटी उम्र है तुम्हारी, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। अरे मंत्री आके वचन कैसे बोला, अरे मंत्री आके वचन कैसे बोला, और भला के लिए मैंने पहला है बोला। समझ क्या लिया एक तांत्रिक को तूने, समझ क्या लिया एक तांत्रिक को तूने, और नहीं खोपे खाया जुबा ऐसे खोला। नहीं खोपे खाया जुबा ऐसे खोला, रंजीत सिंह चले जाओ। अगर क्रोध की आग भड़क गई और एक मंत्र पढ़ करके मार दिया तो तुम यहीं पे पत्थर के बन जाओगे। बाबा जी चला जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं तुमसे और कहना चाहता हूं, और उस बात को जरा अपने दिमाग में डालकर सोचिए कि आज तक आपने दुनिया का भला किया है, लेकिन तुमने क्या पाया है? मुझे क्या चाहिए? दुनिया की रक्षा किया, लेकिन तुमने क्या पाया? इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो बाबा। गॉड, ये क्या बक रहा है तू? खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नसीब होती है क्या? इतना ही नहीं, ओ नो, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। अगरचे मेरी बात को मान लोगे तो इस टूटी झोपड़ी में नहीं, राज महलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सोच लो, राजमहल अच्छे पकवान। राजमहल में और मैं, ये मंत्री कुछ मौके की बात कर रहा है। मैं आज तक दूसरों के आंसुओं को छीनता रहा और उसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरे को क्या मिला है? मेरे को तो वही खाने के लिए काली काली रोटियां मिली हैं, और क्या मिला है? मतलब ये कुछ बात सही भी कह रहा है। अच्छा ये बता, तू कहना क्या चाहता है? इसी का बयान तो सुनिए मेरी बात को। हमारी अगर बाबा जीवन बाबा जी बात मानो, हमारी अगर
रखा चोगी फकीरी में कुछ भी नहीं, मौज हिल मिल करो राजिया साम पे, मौका अच्छा है आया कमावो नहीं। मान लूं बात करके मान लूं बात करके मैं मंत्री तेरी राज परी अधिकार मेरा अधिकार हो जो कहेगा वही करके दिखे लाऊंगा और मैं भी चाहूं यही मैं ही दरकार हो रंजीत सिंह जो कुछ तू कहेगा मैं उस काम को पल भर में करके दिखला दूंगा, लेकिन आज शाम राज्य का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। वारे बाबा देख लीजिए बाबा जी को। बाबा जी मैं वादा कर रहा हूं कि जिस वक्त आप मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे मां ईशा साम्राज्य का आधे का उत्तराधिकारी तुम्हें जरूर बनाऊंगा। तो ठीक है, तू राजा को मरवाना चाहता है, उस साला राजा आज ही मारा जाएगा। रही उसी लड़की बात, वो अभी कुंवारी है, वो अविवाहित है, शैतानों को भेज देता हूं और भेज करके लड़की को खिंचवा लेता हूं और मां काली के चरणों में उसकी बलि चढ़ा देता हूं। नहीं बाबा, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। इसे आज तो मैं जा रहा हूं लेकिन तुमसे मिलने फिर आऊंगा कि ये काम किस वक्त तुम्हें करना है। लेकिन हाँ, जब तक कि मैं तुम्हारे पास ना आऊं तब तक अपने कदम मां साम्राज्य दरबार तक नहीं रखना, नहीं सारे किए कराए पर पानी भी जाए। मैं तेरे आदेशों का इंतजार करूंगा। तो ठीक है बाबा जी, मैं जा रहा हूं, मेरे आने का इंतजार करना, मैं बहुत चल जाऊंगा। दे ताली। ले बाबा ताली। ये रही कोई बात, ये दो शैतान मिल गए हैं और दोनों शैतान मिलकर के आसाम शहर के अंदर एक ऐसा आतंक मचाएंगे कि लोग पानी की बहती हुई नालियों को तो देखा होगा लेकिन आज के बाद इस शहर के अंदर लोग खून की बहती हुई नालियां देखेंगे। ठीक है बाबा जी, मैं जा रहा हूँ और मैं तुमसे मिलने बहुत जल्द आऊंगा। कल्याण हो बेटा तुम्हारा, कल्याण हो, कल्याण हो। बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया, अब हम पाप कमाएंगे और पाप में देखते हैं क्या मिलता है। हाँ, लेकिन जाने से पहले आए हुए हमारे सभी दर्शकों, प्रांगण में बैठे हुए वेवर्स वगैरह जो भी हैं, लेडीज हैं, जेंटलमैन हैं, जो भी है, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट बोलनी बात करता हूं कि जो ये रोल मेरा देख रहे हैं आप, मैंने ऐसा रोल नहीं किया है क्योंकि ये अब शैतान बनने जा रहा है, ये तांत्रिक अब शैतान बनने जा रहा है और शैतान कोई कभी नेक काम नहीं करता है, हमेशा बुराइयों के रास्ते पे चलता है और मैंने ऐसा रोल कभी किया नहीं है। हमेशा धार्मिक रोल जैसे आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे, बाबा शक्ति जैसा रोल मैंने किया है और बस फकीर का रोल किया, हरिचंद्र विश्वामित्र का, बहुत सारे रोल किया, राजा मंत्री संति जंती जो भी है, तांत्रिक वगैरह बहुत सारे रोल किया, जादूगर के रोल किया है, लेकिन धार्मिक रोल किए हैं, ब्लेन का रोल मैंने नहीं किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी त्रुटियां हो जाए तो मैं करदत प्रार्थना करता हूं कि क्षमा कर देना, क्योंकि मैं आपके ही पड़ोसी का रहने वाला हूं, कहीं बाहर का नहीं हूं। धन्यवाद, हम 2 घंटे के बाद मिलेंगे।
शिवाई हमने रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। आओ उनके आने का इंतजार करता हूं। आइए रंजीत सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? राजन, आज मैं एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूं। महाराज, आज मैं रियासत की तरफ गया था तो क्या हुआ, और वहां क्या देख रहा हूं कि जब से राजकुमारी जी ठीक हो गई है, ये हमारी प्रजा खुशियां ही खुशियां मना रही है। रंजीत सिंह, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं हुई थी, तब तक हमारी प्रजा हर वक्त वो गम में डूबी रहती थी। क्यों नहीं राजन, लेकिन आज हमारे पूरे रियासत के अंदर खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही है। हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। आपका हुक्म राखो। महाराज, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा जी आना चाहती, क्या इजाजत? जाकर के कह दो इजाजत है, वो आ सकती है। और ये आ गए बैंक ऑफ बड़ौदा जितेंद्र सिंह भाई तुलापुर, 100 रुपए इनाम। चाचा जी नमस्ते, पिताजी। और पिताजी अजीत बिले है बेटी, तुम्हारी हार्दिक इच्छा है तुम चमन की सैर करने जाना चाहती हो? जी पापा, हार्दिक इच्छा है मेरी। जाओ बेटी, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन सूर्य सोने से पहले तुम चमन की सैर करके अपने राजमहल वापस आ जाना। जैसी होगी पापा। संध्या होगा पहले चली आयो, कैसे मनेंगे चितवन खराब है। तो इतने दिन के बाद ठीक हुई हो तो नहा बहुत है, नजर लग जाएगी। सिपाही, जिस राजमहल में, जिस राज दरबार में तुम जैसे नौजवान जाबाज सिपाही हो, भला हमारी तरफ नजरे उठा के कौन देख सकता है? कौनों का औकात नहीं, नो के धर रही नरली बल्ला। और मेरे पास बाबा की दी अंगूठी है, भला नजरे कौन लगा सकता है? अच्छा पापा, चाचा जी नमस्ते। क्या बात है सिपाही? ड्यूटी बहुत सख्त दे रहा हूँ, आप परेशान।
जानना हूँ हमारे रहते हुए कोई सारा पंछी पार नहीं मार सकता। शिवाई जब तक तुम हमारे इस राज दरबार में कायम हो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। मंत्री रंजीत सिंह हमारी बेटी राजकुमारी दीक्षा वो चमन के सैर करने के लिए बगीचे की तरफ गई है। क्यों नहीं राजन? तुम अपने साथ में सिपाही को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। क्यों क्या राजन? मैं राजमहल चल रहा हूं। इधर आओ।